सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं इंटर मैट्रिक के बाद जो इंटर आता है, तो इंटर में पास होने के लिए कितना नंबर आपको चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए ताकि आप पास हो सके किस में, इंटर में। और इंटर में जब आते हैं तो इंटर में आपको कई सारे डिविजन आपको देखने को मिलता है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, इसके बाद एक होता है फेल होता है। तो ये सब किस कंडीशन में क्या क्या होता है, कब फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम लोग फेल होते हैं, पूरा डिटेल्स में समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आप इस वीडियो के स्किप नहीं कीजिए, पूरा ध्यान से समझिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और बताएंगे भी कि कब और किस कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, और अगर यहाँ कोई स्टूडेंट्स को अगर कम नंबर आता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें कि इंटर में क्या होता है कि इंटर में आपको तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलता है, तीन स्ट्रीम होता है, सब्जेक्ट नहीं हम कहेंगे, इसे स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, तीनों क्या होता है, जैसे में आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया एंड साइंस हो गया। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस होता है, जो कि तीनों में इंटर में आपको हर एक स्ट्रीम का, जैसे हम आर्ट्स का भी 500 का एग्ज़ाम होता है, कॉमर्स का भी 500 का एग्ज़ाम होता है और साइंस वाला का भी 500 का एग्जामेशन होता है। प्रैक्टिकल किसी में हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन सबका एग्जामेशन कितना का होता है, 500 का ही होता है। तो इसलिए आप आर्ट्स से कॉमर्स से साइंस से मैटर नहीं कीजिए, सबका पासिंग मार्क्स एक ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिविजन में क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या होता है कि फर्स्ट डिसाइड कब होता है, जैसे देखिए 500, तो 500 का आपका टोटल नंबर का एग्जामेशन होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 500 के नंबर का एग्जामेशन होगा, तो 500 नंबर का एग्जामेशन हुआ और 500 में से अगर 60% मिनिमम 60% और 60% को अगर नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो आप जानते हैं परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है। तो इसे अगर 200 गैप कर देते हैं तो 60 25 300। ठीक है, तो आप देखिएगा 300, यानी कि 500 में से अगर 300 नंबर आ गया, कम से कम 300 नंबर आ गया और इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 300 से ज़्यादा और 500 से कम। ठीक है, 300 से ज़्यादा और 500 से कम नंबर अगर आपका आया तो आप क्या कर जाइएगा, फर्स्ट कर जाइएगा। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में आता है सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम लोग सेकेंड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड में भी वही होता है। ठीक है, तो सेकेंड में भी टोटल नंबर के एग्ज़ाम कितना होता है, 500 का। और इसमें क्या होता है कि देखिए, सेकेंड जो कैलकुलेट होता है वो 45% पे होता है। ठीक है, 45% अगर इसे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, बटा 100, 200 गैप, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, तब यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए, 225 तो यह आ गया, 225 पर क्या होता है, सेकंड हो जाएगा किस में, इंटर में। ठीक है, तो इंटर में 225 नंबर पे अब सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कम से कम 225 आपका आएगा। ठीक है, और उसके बाद 225 से लेकर के यहाँ पे फर्स्ट के लिए कितना था, 300। ठीक है, तो 299। ठीक है, 225 से लेकर करके 299 तक अगर आपका नंबर आता है, यानी कि 300 से कम 295 नंबर तक ले, आपका नंबर आता है 299 तक ले, तो आप यहाँ पे क्या कर जाएगा, सेकंड कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट आता है थर्ड। ठीक है, जो थर्ड भी मतलब कि काफ़ी कम स्टूडेंट थर्ड करते हैं, न पढ़ने वाले तो करते ही हैं, तो वो तो अलग बात है। तो थर्ड है, तो थर्ड में क्या होता है कि इसमें भी कैलकुलेशन वही होता है। ठीक है, 500 का आपका एग्जामेशन होगा, इसमें आपका कितना होगा, इसमें थर्ड के लिए कैलकुलेट कितना करेंगे, 30% पे। ठीक है, इसका मिनिमम पासिंग मार्क्स भी 30% होता है। अगर इसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो बटा 100 देना पड़ेगा, तो 200 गायब, यानी कि 150। ठीक है, 150 नंबर, तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना होगा कि 150 नंबर आएगा तो आप थर्ड कर जाइएगा किस में, इंटर में। लेकिन यहाँ पे एक बार ध्यान में रखिएगा, 150 जो नंबर है तो इसमें से 30% आपको हर सब्जेक्ट में
30% आपको लाना पड़ेगा तभी जाकर के पास कीजिएगा। और जिसमें प्रैक्टिकल होगा तो उसमें मान लेते किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको 40% पासिंग मार्क्स होता है, और जिसमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसका 30% पासिंग मार्क्स होता है। तो यह बात आप ध्यान में रखिए, और दोनों को मिला कर करके आप 30% लेकर के चलिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 150 नंबर अगर आ गया है ना, लेकिन सभी सब्जेक्ट में कम से कम आपको पासिंग मार्क्स होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है तो अब जाकर और आपका 30% 150 नंबर आ गया तो अब जाकर थर्ड कर जाएगा। और 150 नंबर से कम अगर आया, मिनिमम पासिंग मार्क्स कंपलसरी है सभी सब्जेक्ट में 30% लाना, ठीक है, पासिंग मार्क्स लाना कंपलसरी है, और तब जाके 150 नंबर आए तो पास कर दीजिएगा। और आपका मान लेते हैं कि 160 नंबर आ गया और दो एक सब्जेक्ट में आपका 30% से कम आया, 29% भी आया, तो आप यहाँ पे फेल कर हो जाएगा, इस कंडीशन में फेल हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि आपका 200 नंबर आया और दो सब्जेक्ट में आपका 28% आया, तभी भी आप यहाँ पे फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो इस यह कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम पास मार्क्स आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा क्या होगा कि अगर आपका किसी कंडीशन में फेल हो जाते हैं है ना, कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है या स्टार लग जाता है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को देख सकते हैं, एक सब्जेक्ट सप्लीमेंट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो कि एग्ज़ाम रिजल्ट आने के 2-3 महीने के अंदर ही हो जाता है, रिजल्ट दे देता है, तो वह दे सकते हैं, उसमें भी यह पास कर दीजिएगा, लेकिन आपका एक मार्क रह जाएगा है ना कि हाँ आप सप्लीमेंट से एग्जामिनेशन से दिए हुए थे। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, और आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि इंडिया में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फेल के लिए। तो इसमें कोई अगर दिक्कत होगा तो डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसका पूरा सॉल्यूशंस आपको देंगे। और बाकी बात आपको और भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।